नीतीश नरेंद्र मोदी के लिए क्यों जरूरी है? चंद्रबाबू नायडू से नरेंद्र मोदी का क्या रिश्ता है? और अगले 5 साल तक नरेंद्र मोदी को सरकार चलानी है तो फिर नीतीश नरेंद्र और नायडू से क्यों घिरे रहने होगा? इन का क्या मतलब है? इन देश के सियासत के लिए क्यों महत्वपूर्ण होते जा रहा है? देश के सियासत में इन क्यों मुख्य मुद्दा बनते हुए दिखाई पड़ रहा है? इन नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू, नायडू का एन, नीतीश का एन और नरेंद्र का एन, ये 3 N आज सियासत में क्यों महत्वपूर्ण हो गए हैं? इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे। एक ने इस्तीफा मांग लिया था तो दूसरे ने 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया था। ये नीतीश नरेंद्र और नायडू के रिश्ते की कहानी है, जिस रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले, कई बार इस रिश्ते एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर दिखे, लेकिन आज यह रिश्ता दोनों के बीच दोस्ती और देश में सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रहा है। इन रिश्ता, इन के साथ सरकार बनाने का समर्थन और इन के साथ सरकार चलाने का विश्वास और भरोसा, ये है इन सियासत और आने वाले 2029 तक का नरेंद्र मोदी का भविष्य। नरेंद्र, नायडू और नीतीश की पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों आज नरेंद्र नायडू की चर्चा नीतीश के साथ हो रही है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चर्चे तो हर बार होते रहे हैं, लेकिन नायडू के चर्चे इस बार इसलिए हो रहा है क्योंकि 2002 में जब नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात दंगे की जब वो आरोप लगे थे तो सबसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और उनसे इस्तीफा मांगने वाला अगर कोई शख्स था तो वो है चंद्रबाबू नायडू। दूसरी तरफ 17 साल पुराने रिश्तों को नीतीश कुमार ने एक झटके में तोड़ दिया था, ये नीतीश कुमार है। हालांकि नायडू और नीतीश दोनों ही लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा यानी नरेंद्र मोदी के साथ जाने का फैसला किया था, नए सिरे से अपनी पुरानी दोस्ती को एक बार फिर से नई शुरुआत देने का आगाज किया था और परिणाम इस कदर 2024 के चुनाव में के नतीजों के बीच निकलकर सामने आए कि अब नरेंद्र की नाव, नरेंद्र की पतवार या तो नीतीश के हाथों में रहेगी या नायडू के हाथों में। नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन अब इनकी ताकत नायडू और नीतीश बनकर उभरे हैं। नरेंद्र मोदी जहां विश्व में डंका इनका बज रहा है इनके नाम का, अब बिहार सहित देश भर में अगर नरेंद्र मोदी को भारत में केंद्र की सत्ता में बने रहना है तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश का समर्थन, साथ और भरोसा चाहिए। आपको बता दें कि 2029 तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत नरेंद्र मोदी को क्यों है? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 292 सीटें मिली है। लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी बहुमत से दूर है, इसलिए एनडीए की सरकार 5 साल चलाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू का साथ की जरूरत होगी। नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 5 साल सरकार चलानी है तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की साथ की जरूरत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि साल 2014 और 2019 में अपने दम पर बहुमत लाने वाली बीजेपी इस बार 272 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। 543 सीटों वाली लोकसभा में सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास इस बार 240 सीटें ही है, हालांकि एनडीए के पास 292 सीटें हैं जो बहुमत से 20 सीटें ज्यादा है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी जिसके पास 16 सांसद हैं। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जेडीयू है जिनके पास 12 सीट यानी कि 12 सांसद हैं।
यानी नायडू और नीतीश के पास कुल 28 सांसद है। लिहाजा एनडीए की सरकार बनी रहे इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों का साथ बेहद ही जरूरी है। एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के ही रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दोनों ही एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं और लोकसभा चुनाव से एन पहले ही वापस गठबंधन में शामिल हुए थे। ऐसे में जानते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पीएम मोदी से रिश्ते कब कितने अच्छे रहे और कब रिश्ते बिगड़े, तो इसका असर कैसे पड़ा। दरअसल मोदी और नीतीश के बीच जो रिश्ते हैं उसमें कई बार उतार चढ़ाव देखे गए हैं। नीतीश को डर बना रहता था कि मोदी का साथ उनके वोटरों को नाराज न कर दे, इसलिए 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार में मोदी को प्रचार करने से रोक दिया था। नरेंद्र मोदी 2009 के चुनाव प्रचार में बिहार नहीं आ पाए थे। इसके बाद 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश ने मोदी को बिहार में प्रचार करने से रोक दिया था। जून 2010 में पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। इसके पहले पटना के अखबारों में विज्ञापन छपे जिसमें नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया गया था। इससे नीतीश इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद नीतीश ने कोसी बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार से मिला 5 करोड़ रुपए का चेक भी लौटा दिया था। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खट्टे रिश्ते खुलकर 2013 में सामने आए थे। सितंबर 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो नीतीश इससे नाराज हो गए थे। जून 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। बीजेपी और जेडीयू 17 साल से साथ थे और एक झटके में नीतीश ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। गठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था, हम अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें गठबंधन से अलग होने के लिए मजबूर किया गया है। साल 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश ने अकेले लड़ा, इससे नीतीश की जेडीयू को खासा नुकसान हुआ। हार की जिम्मेवारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मई 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने लालू यादव की आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा। नीतीश लालू की जोड़ी चल पड़ी और बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनी, लेकिन यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 2 साल बाद ही जुलाई 2017 में नीतीश कुमार पलटी मारते हुए दोबारा एनडीए में आ गए। एनडीए में आने के बाद 2019 का लोकसभा और 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन फिर अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसी साल जनवरी में नीतीश कुमार ने फिर से, यानी साल 2024 के शुरुआत में ही नीतीश कुमार ने यू टर्न मारा और आरजेडी का साथ छोड़कर फिर से एनडीए में आ गए। इधर नीतीश से ज्यादा नायडू की दोस्ती भी नरेंद्र मोदी को रास कई मौके पर नहीं आई है। नीतीश की तरह ही नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती में भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिली है। साल 2018 तक नायडू की टीडीपी एनडीए की हिस्सा थी। एनडीए से अलग होने के बाद नायडू की टीडीपी ने मार्च 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव तक पेश कर दिया था। हालांकि यह प्रस्ताव गिर गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी और नायडू के बीच कई बार तिखी बयानबाजी हुई। गठबंधन से अलग होने के कारण पीएम मोदी ने नायडू को यूटन बाबू तक कह दिया था। इतना ही नहीं, 2002 के गुजरात दंगों के बाद नायडू उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा था। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात दंगों के कारण उन पर इस्तीफा का दबाव बढ़ा था। 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए 2019 की एक चुनावी रैली में नायडू ने कहा था, मैं पहला व्यक्ति था जिसने उनका इस्तीफा मांगा था। इसके बाद कई देशों ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एक बार फिर से अल्पसंख्यकों पर हमला कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार के बाद नायडू ने कई बार कथित रूप से एनडीए में शामिल होने की कोशिश की थी। माना जाता है कि नायडू ने जो कुछ भी बयानबाजी की थी उसे लेकर
मोदी टीडीपी को एनडीए में लाना नहीं चाहते थे। एक्टर से राजनेता बने पवन कल्याण ने मोदी और नायडू को करीब लाने की जो सफल कोशिश की उसका परिणाम ये हुआ कि चुनाव के ठीक पहले मार्च में टीडीपी एनडीए में शामिल हो गई। सरकार में बने रहने के लिए 272 सीटें जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी को नायडू और नीतीश की जरूरत क्यों है। दरअसल केंद्र की सरकार में बने रहने के लिए नरेंद्र मोदी और भाजपा को 272 सीटों की जरूरत है। बीजेपी की 240 सीटें हैं, टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटें हैं। कुल मिलाकर 268 का आंकड़ा पहुंचता है, बाकी 24 सीटें दूसरी पार्टियों का है। अगर एक भी पार्टी साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास बहुमत तो रहेगा लेकिन सरकार कमजोर हो जाएगी। अगर टीडीपी साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास 276 का आंकड़ा रहेगा। सरकार बहुमत में तो रहेगी लेकिन जादुई आंकड़े से कुछ सीटें ही ज्यादा बचेगी। इस तरह अगर नीतीश की जेडीयू अलग होती है तो एनडीए के पास 280 सीटें बचेगी। ऐसी स्थिति में भी एनडीए के पास बहुमत तो रहेगा लेकिन सरकार कमजोर और विपक्ष मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टियां साथ छोड़ देती हैं तो एनडीए सरकार बहुमत खो देगी। टीडीपी और जेडीयू के पास 28 सांसद है और दोनों के जाने का मतलब है कि एनडीए के पास 264 सीटें बचना, यानी बहुमत से 4 सीटें कम। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। चुनाव नतीजे के बाद बुधवार को एनडीए की बैठक हुई। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इसमें शामिल हुए। इस बैठक में सरकार बनाने की रणनीति हुई और एनडीए ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और नायडू के रिश्ते की खूब चर्चा हो रही है और इन्हीं चर्चाओं के बीच और पुराने रिश्तों के खट्टे मीठे यादों का सहारा लेकर विपक्ष यह दावा कर रही है कि नीतीश और नायडू के विचार जो है वो एनडीए से मेल नहीं खाते हैं और जब भी इनको मौका मिलेगा ये मन बदल सकते हैं और उसका फायदा सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। इन तमाम कयासों के बीच कांग्रेस आलाकमान ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क साधने की भी कोशिश की लेकिन फिलहाल उन्हें सफलता नहीं मिली है। इधर नीतीश, नरेंद्र और नायडू की जोड़ी देश में अगली सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। अब देखना है कि 3N का जोड़ कितना बेजोड़ होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।